जबरदस्त। बॉलीवुड में वैसे तो काफी लोग अपने आप को शेर ही नहीं सवा शेर समझते हैं, और उनमें से ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टेरिटरी बना ली है जी। एक है द लायन ऑफ पंजाब, ओ सिंग इज किंग, अक्षय कुमार, और दूसरे वैसे तो बिहार पे बनी फिल्मों के काफी पुराने शेर हैं, मगर अभी कुछ टाइम पहले ही खुद को मराठी शेर का दर्जा दे चुके हैं, बाजीराव सिंघम। अब ऐसे दो शेर तो बॉलीवुड की इस मांद में दहाड़े बिना तो रह नहीं सकते ना, तो ये दोनों कहाँ रहते है? बात थोड़ी पुरानी है। फिल्म खाकी के रिलीज के बाद अजय देवगन को लगा कि अक्षय ने उनका रोल काट दिया था, जब देवगन ने सस्पेक्ट किया कि वो अकेत है, जिन्होंने विपुल शाह को कन्विंस किया था कि एक्शन रिप्ले को गोलमाल 3 के साथ रिलीज किया जाए, और इससे अजय देवगन का ऊपर का माला गया सटा। सुनने में आया कि वो वेट करने लगे अक्की की नेक्स्ट रिलीज का। अक्की की 30 मार खान के साथ ही रिलीज हुई अजय की टूनपुर का सुपर हीरो। एलो जी कल्लो बात, इससे भी जब अजय का पेट नहीं भरा तो उन्होंने फिल्म दिल तो अच्छा है जी में इमरान हाशमी का कैरेक्टर बनाया हूबहू अक्की वाला। नॉट द अक्की वी नो नाउ, बट द वन बिफोर मैरिज, लड़कियों के पीछे भागने वाला। 30 मार खान और टूनपुर गई पिट, और अक्की पर बना कैरेक्टर भी किसी को रास नहीं आया, और तब जाके इन दोनों को थोड़ा होश आया कि कुछ भी नहीं रखा इन ऑल दिस खिट फिट यू सी। सुना है अब दोनों सिंग एंड सिंघम आ रहे हैं एक साथ एक ऐसी फिल्म में जो हॉलीवुड में कहलाती है बैड बॉयज। डायरेक्टर होंगे रोहित शेट्टी, अजय और अक्की खेलेंगे साथ में गोटी आउ, मतलब एक और पैचअप।